वाला अखियों में ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कचरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान हेलो जी कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ रामपुरिया बरेली में और सीन देख सकते हो कहाँ पर खड़े हैं, गौशाला भैंसशाला बकरीशाला सब एक ही साथ है। ठीक है, तो आज शिवदेव भैया की शादी है, 19 तारीख है और यहीं पर आए हैं मस्ती करने। प्रद्युम्न भी है, आकाश भी है और भी बहुत सारे नए दोस्त हैं, सबसे मिलाएंगे आप। अभी अभी जस्ट सोकर उठ के आए हैं, उधर पीछे एक आंटी जी हैं उनके घर पर रुके थे। ये वाला जो घर दिख रहा है ना, इसी घर में रुके थे आज रात में और मस्त यहीं देखो सुबह सुबह बढ़िया धूप निकल आई है। ये ट्रैक्टर खड़े हैं यहाँ पे, गाँव में ट्रैक्टर वैक्टर ना हो तो फिर गाँव क्या है। ठीक है, तो ये भाई हैं, हेलो करो। हेलो। और ये हमको घुमा रहे हैं आज सुबह सुबह, प्रद्युम्न के पास ले आ रहे हैं क्योंकि वो खो गया है। कब से फोन लगा रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। आ गए भाई साहब, बंद हो कर दो। वाह भाई, हम इसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसे देखो कहाँ खड़ा है ये भाई। रुक गई चल गई। प्रद्युम्न महाराज को काम मिल गया सुबह सुबह। प्रद्युम्न की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जब भी किसी को काम हो नंबर डाल दूंगा। 150 रुपया देगा। अभी आ गए हैं प्रद्युम्न की हवेली में। प्रद्युम्न भाई इधर साफ सफाई कर रहे हैं, देखो आज दिखाते हैं प्रद्युम्न का नया रूप इनके गांव में, ये देखो। ठीक है, और ये प्रद्युम्न की भैंस है, हेलो। तो ये अभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर ले। इधर ये तीन भैंसें और हैं। ओए कितनी भैंस है तेरे पास में? एक दो, वो भी तो है उधर वाली। अबे उधर पीछे वाली, हाँ वो है। तो तीन भैंस है, नहीं तीन भैंस है, दो गाय है प्रद्युम्न की। चलो इधर चढ़ा। ये पूरी प्रद्युम्न की हवेली है, देख सकते हो। इस वाली गाय के तो लंपी वायरस हो गया था, सही हो रहा है? दवाई वाई लगाई थी? सही है यार, गांव का भी अपना एक्सपीरियंस है। हम भी गांव में रहते हैं अपने घर पर वो गांव वाली फीलिंग नहीं आती ना, क्योंकि बिल्कुल सब शहर वहर का टाइप का बन गया है, पूरा कस्बा वगैरह नगर टाइप का। तो पर यहाँ आके गांव की फीलिंग आ रही है, कच्ची रोड है बढ़िया और गाय भैंस घोड़े और मतलब गांव वाला ही पूरा घर वगैरह बने हुए हैं उस प्रकृति के, तो मज़ा आ रहा है। ये प्रद्युम्न के बाबा जी हैं। दादाजी हम करवाएं कुछ? नहीं, आप नहीं चला पाओगे। हाँ ये भी है, हमने कोई चढ़ाया नहीं है। अच्छा ये गन्ने के ही है क्या? गन्ने का रोला है। अच्छा आगे की पत्ती काट के। हाँ हाँ फेंक जाता। हाँ और ये गायों के काम आ जाता है। कसे वहाँ कसके years later. कट गया भाई चारा। अब भाई अब तुझे मिल जाएगा, तेरे को चारा पहले मिला था ना, आराम कर। काम करके आ गए वापस प्रद्युम्न के घर पे। अपना घर समझो, तुम खाओ। अरे तुम्हारा है वो तो मुझे पता है। तुम्हारा नहीं है। अभी दादी जी का है। हाँ, वही तो कह रहा है। आकाश का बाद में होगा। दादी जी को वहाँ से शुरू हुआ। देख रहा हूँ। पता चल गया। चलो आकाश का घर डन होगा, दूसरे घर पे चलते हैं। हो गया भाई। आकाश भाई तुम्हारा घर घूम लिया, किधर चलोगे?
ओए सर मत मारिए। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? इनके आज ये पहले नहीं मारेगी यार। प्रद्युमन के मोहल्ले घूम रहे हैं। हेलो भाई। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपिन। विपिन भाई हैं ये, ठीक है। और सब लोग घूम रहे हैं। हेलो भाई, हेलो तो कर दो। हेलो, इधर इधर। हेलो, इधर। तो आप अपना नाम बताओ। तेज। ये तेजवीर भाई हैं। नमस्ते नाना जी। नमस्ते। हर घर के अंदर एक गौशाला बनी हुई है और काफ़ी सारी गायें हैं, एक दो भैंस नहीं, काफ़ी सारी हैं। हम लोग हर घर में घूम रहे हैं, लगभग प्रद्युमन के जितने भी फैमिली वाले हैं सभी लोग। एक ये घर है, इसके पीछे था, एक इधर है। तो घर में ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि सारे लोग मोबाइल से वीडियो बनाओ तो कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ गंगा कितनी दूर है? गंगा कितनी दूर है? कितने गांव में? मेरा इतनी सही नानी है। नानी मोहल्ला। माता जी नमस्ते। नमस्ते माता। नमस्ते जी। माता जी की उम्र तो काफी होगी। आकाश है, आकाश है। नमस्ते। माता जी की उम्र 100 साल से भी ऊपर है भाई। नानी जी नमस्ते। नमस्ते। नानी पे छोटी नानी है। छोटी नानी जी नमस्ते। और कोई रह गया? बीच वाली नानी जी नमस्ते। हाँ, अरे नानी जी आपके घर तो आते जाते रहेंगे। हाँ, प्रद्युमन की शादी में आएंगे अब की बार। तो फाइनली घूम लिया है प्रद्युमन का पूरा गांव। गांव नहीं, परिवार। परिवार, हाँ भाई, पूरे गांव में मोहल्ला घूमा है। अच्छा, एक मोहल्ला ही है? क्या बात कर रहे हो, एक मोहल्ले में इतने घर प्रद्युमन के? घूमने तो बताओ। चल चल चल, मुझे क्या। देखिए वापस उसी हवेली में आ गए। ये वाली हवेली प्रद्युमन की है। आकाश, प्रद्युमन सबके घर। दोपहर हो गई है तो अभी जस्ट ना के आया हूँ। अभी जितने लोग आए थे वो सब लोग चले गए और मैं खाना खा रहा हूँ। ये देख सकते हो प्रद्युमन उनको छोड़ने गए हैं। ऐसी मस्ती चल रही, घूम फिर रहे हैं। बाकी अभी और देखते हैं, और घूमेंगे, और लोग आएंगे, और फिर शाम को शादी है। शादी मस्ती करेंगे, खतरनाक वाली। A few moments later, दानसु भाई, ये हमसे डबल हैं। तो भैया जी अभी हो गए हैं शाम के 5 और चाय पानी करके आए हैं। तो आज हम आकाश को उठा के दिखाएंगे इनका वजन कितना है। क्या बात है सर। इनका वजन होगा 40 से 50 के बीच में। 58 कितना है? 50 से ऊपर है भाई। 55-58 के लगभग है भाई। इससे बहुत आराम से उठा लिया। मुझे उठा लिया। हाँ भाई, छोटा सा बच्चा हमारे लिए आग जला रहा है। जला जला जलाओ। सब दद्दो, सब दद्दो। इसीलिए तो हुआ है, मुझे पता चला। बाकी अम्मा चिल्ला। चलो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में। दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा, हे पीछे बाराती आगे बंड बाजा। आए दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। आ गए हैं शादी में, ठीक है, और गोलगप्पे खाने आ रहे हैं। कंपटीशन चलेगा यहाँ पर। प्रद्युमन का दानसु का, ठीक है। चलो अब तुम्हें गोलगप्पे खिलाते हैं। दोनों लेके खड़े हैं भीख मांगने। तो ये हंसराज जी हैं। तू बैठ। ले ले। एक लगाओ, लगाओ। यहाँ पर देखिए भोजन तैयार हो रहा है, दिखाओ। आचार्य जी के लिए। ये रहा। अबे इधर दिखा। अरे इधर दिखा। हाँ, ये तैयार हो गया। अब इसमें रोटी कहाँ है? अभी ला रहे हैं ना। रोटी ला रहे। कार्य चल रहा है। कार्य प्रगति पर है। बहुत सारी चीजें भाई साहब। ये क्या है हंसराज जी? ये क्या है? ये है कोफ्ते। कोफ्ते नहीं है। फिर क्या है? क्या भाई? चाप। अच्छा, चाप है ये। ओके, वेज चिकन कह सकते हैं इसको। वेज चिकन भी कह सकते हैं। वेज चिकन, हाँ, चाप को। चाप को वेज चिकन, सही है यार। लेकिन यहाँ पर देखने से लग रहा है कि वो चिकन ही है। वैसे कटहल को बोलते हैं। वैसे कटहल को बोलते हैं। ये आकाश भाई, ये पहली बार आए हमारे ब्लॉग में। और ये बोल। अरे गिन गिन।
यहाँ पर देखो भाई दोबारा चलोगे डांस। बस स्टार्ट हो रहा है। जय जय मातरम 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 वंदे वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद माता की जय माता की जय। हाँ तो भाई निपट गई शादी, हम जा रहे हैं। रात के 2 बज गए, शादी वादी निपट गई है, देख सकते हो सब लोग जा रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी पूरी भीग चुकी है उसमें।